अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ऑटिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन का क़याम हमने यहाँ पे रखा है, और ये रखा है हम लोगों ने उन बच्चों के लिए जो ऑटिस्टिक ऑटिज़म के साथ रिलेटेड है। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हम काम करते हैं यहाँ पे, एडल्ट्स के साथ काम करते हैं पाकिस्तान में। बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, 13 साल तक के बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जो एडल्ट्स बच्चे हैं उनके साथ काम नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हम इस माशरे का एक ऐसा तबका बनाएँ जो अपनी सेल्फ हेल्प लिविंग करें, खुद अपने लाइफ को चला सके, जॉब्स कर सके, और उनको ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं। पेरेंट्स को हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं। उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी कि वो आगे आए, इसमें हमारे साथ हेल्प करें ताकि हम और लोगों की हेल्प कर सकें। मैं बींग अ मदर, मैंने ये स्टार्ट किया था। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, मेरे तीनों बच्चे डिफरेंट हैं, स्पेशल नीड्स के साथ हैं, बट माशाल्लाह दे आर लिविंग अ वेरी गुड दी लाइफ। बट यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम ना होने की वजह से, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम वैसा ना होने की वजह से जो इन बच्चों की ज़रूरतों को पूरी कर सके, तो वो घर में ही रहे, बाहर नहीं निकल सके। आज मेरी बेटी एक अच्छे मकाम पे है, बैठी हुई है, वो खुद अपनी ट्रेनिंग, मदर की ट्रेनिंग, पेरेंट्स की हेल्प और फैमिली के सपोर्ट और फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से आज एक पाकिस्तान में अच्छा मकाम रखे हुए सेलिब्रिटी है गेमिंग में। बट हर कोई ये नहीं यहाँ तक पहुँच सकता, लोगों को नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों ने तो पढ़ा है इसके लिए, सब कुछ किया, मेरे ख्याल से इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान आर्टिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन बुनियादी तौर पे आर्टिज़म और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की खिदमत के लिए बना है। हमारा बुनियादी मकसद आर्टिज़म और खसूसी बच्चों के हवाले से आगाही, अवेयरनेस, ट्रेनिंग्स, डायग्नोसिस और उनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मैनुअल्स को बरोएकार लाकर उनकी ज़िंदगियों में खुशी लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम प्रोफेशनल्स, केयरगिवर्स, पेरेंट्स और सोशल सर्विस देने वाले लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि वो आर्टिज़म और दूसरे स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन हैं उनकी खिदमत कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान आर्टिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की कोशिश यही रही है कि आर्टिज़म और स्पेशल नीड चिल्ड्रन के हवाले से लेटेस्ट रिसर्च किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, बैनुल अक्वामी इदारों को इन्वॉल्व करके ऐसे एक ऐसे इदारे को बनाया जाए जहां पे इस बुनियादी तौर पे आर्टिज़म और स्पेशल नीड्स के हवाले से या दूसरे नफसियाती मसाइल के हवाले से रिसर्च किया जा सके। हमारा मकसद और हमारी ख्वाहिश एक ऐसे मुआशरे का क़याम है जहां पे नफसियाती मसाइल के शिकार स्पेशल नीड चिल्ड्रन और आर्टिज़म के बच्चों और एडल्ट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, उनको समझा जाए, उनको ऐसे ट्रीट किया जाए विद डिग्निटी, उनके साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट का सलूक किया जाए। हमारा मकसद और हमारी ख्वाहिश एक ऐसे मुआशरे का क़याम है जहाँ पे आर्टिज़म, स्पेशल नीड बच्चों और दूसरे नफसियाती मसाइल के शिकार लोगों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुआशरे में जीने दिया जाए। दूसरा, हम एक ही छत के नीचे उनको ऐसा माहौल फराहम करें, ऐसी तरबियत दे, ऐसी ट्रेनिंग्स दे उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके केयर गिवर को, ताकि वो मुआशरे का एक फ़ाल और मुफीद फ़र्द साबित हो जाए। लेकिन हमारे लिए ऐसा करना आप लोगों के मदद और तावन के बग़ैर हरगिज़ मुमकिन नहीं है। मैं सोशल सेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से बिलूम और हुकूमत पाकिस्तान से बिलखसूस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और हमारा साथ दें ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सके। स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स होने के नाते जितना कुछ मुआशरे के उस लेवल पे होते हुए जहाँ हम अफोर्ड भी कर सकते थे, पढ़े लिखे थे, समझ भी आती थी चीज़ों की, उसके बावजूद आज तक जितना सफ़र हमने किया है उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें
कि वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं है या जिन लोगों को पता ही नहीं है सिरे से कि वो किस चीज़ के मुकाबले खड़े हैं, वो किस मसले के मुकाबले खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये सारा कुछ सोचते हुए जिस दिन हमें ये एहसास हुआ है तब से हमने इस काम पे ध्यान देना स्टार्ट किया, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता एफर्ट्स करके ये पाकिस्तान ऑटिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन इसका स्टार्ट लिया हमने। बेसिकली हम इस पे ये चाहते हैं कि वो तमाम पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको लिटरली अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कौन से मसाइल फेस कर रहे हैं, उनको डोर स्टेप्स के ऊपर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, और उसके अलावा इन बच्चों को जिनको हमारे यहाँ टोटली आप इसको जहालत कह लें, जिसकी वजह से शुरू में ही दो तरह के काम होते हैं, या तो आप कहते हैं अल्लाह वाला है या पागल है, ये कह के उसके ऊपर ठप्पा लगा के आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा हो जाते हैं। तो इस काम को स्टॉप कर दिया जाए और एक यूनानिमस एफर्ट कलेक्टिवली तमाम लोग करें और एक अच्छाई की तरफ लेके जाएं। इन बच्चों को बोझ की जगह मुआशरे का एक फाल मेंबर बनाया जाए, इंडिपेंडेंट लिविंग का आदि किया जाए, और इनकी फैमिलीज़ को ये एहसास दिलाया जाए कि इनके ऊपर अगर अल्लाह ताला ने एक इजाफी ज़िम्मेदारी डाली है तो दे आर द चूज़न वंस, ये उनके लिए बोझ नहीं है, दे आर द चूज़न वंस, उनको ज़िम्मेदार समझ के एडिशनल ज़िम्मेदारी दी गई है। सो इस काम के ऊपर मैं ये चाहूँगा कि सब मिलकर एफर्ट करें, साथ चलें, तो ये काम आसान हो जाएगा। अगर लोग आगे साथ चल के बामी इमदाद के तहत इस इदारे को चलाने में हमारा साथ दें तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है, नहीं तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं काम, इंडिपेंडेंटली हमने स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह जब तक ये काम पूरा नहीं होता हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, हम इसको अपने तौर पर करेंगे और पूरा करेंगे हर हाल में।